अच्छा, अब कल हमने एक चीज मिस कर दी थी, वो था आपका पे स्केल एरिया। पे स्केल एरिया को भी कर लेते हैं, फिर आगे जाके कोई मसला ना हो। पेरोल डेटा के साथ आपका आता है बेसिक पे। बेसिक पे में जाके पे स्केल टाइप और पे स्केल एरिया, ठीक है। एच हमने बना लिया था यहाँ पे, टाइप पे स्केल टाइप, ठीक है। रिटेल, अब इसमें रिटेल में और भी चीजें आपकी आ सकती हैं, केटरिंग आ सकती है, जो भी होगा वो उस पे स्केल के हिसाब से होगा। पे स्केल एरिया, पे स्केल एरिया अब हम यहाँ पे रखेंगे के, ठीक है। सर एक चीज पूछ रहे थे, फिर एरिया जो है वो ग्रेडिंग स्ट्रक्चर के हवाले से होगा या वैसे ही? ये ज्योग्राफिकल, यानी आप रिटेल है ना, पे स्केल टाइप यानी रिटेल का एरिया आपका फिलाडेल्फिया, आपका पर्सनल एरिया, उसमें आपका पे स्केल टाइप है, यानी एक आपकी बिजनेस वर्टिकल है रिटेल, दूसरा होगा मैन्युफैक्चरिंग होगा, कोई केटरिंग होगा, यानी जैसे जैसे, एक होगा सर्विसेज होगा, एक एडमिन होगा, व्हाटएवर। तो उसके लिए आप फिर क्या करते हैं कि पे स्केल टाइप आपने रिटेल रख लिया, तो वो जो टाइप है रिटेल कौन से इलाके में, फिलाडेल्फिया के, वो फिलाडेल्फिया के सेंट्रल भी हो सकती है, मैं उसको फिलाडेल्फिया के कर देता हूँ, ठीक है। टारगेट ग्रुप, तो यानी पूरे उसको मैं यही बस रख रहा हूँ, पूरे फिलाडेल्फिया को ये चीज डील करेगी। अब आप सिटी वाइज भी इसको कर सकते हैं, इसको आप अलग कर सकते, जैसा आपका बिजनेस प्रोसेस, जैसा आपका बिजनेस प्रोसेस आपको परमिट करता है, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, ये आपके डिपार्टमेंट वाइज हो सकता है बेसिकली, ये डिपार्टमेंट जो एंड एरिया टीम बनेगा वाइज, वो डिपार्टमेंट वाइज। जी डिपार्टमेंट एंड एरिया वाइज, गॉट इट सर। या वर्टिकल प्लस एरिया वाइज, ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा, अब चलते हैं एंटरप्राइज स्ट्रक्चर की तरफ, यानी एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के लेवल पे हमने ये एच और के जो लगाने हैं वो बताने हैं। अच्छा जी, चेक असाइनमेंट पे स्किल स्ट्रक्चर, ये पे स्किल स्ट्रक्चर में ये दो चीजें आती हैं, टाइप एंड एरिया। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में जाके लगाएंगे कहाँ पे, फिलाडेल्फिया में जाके लगाएंगे, जहां पे हमारे पे स्केल एरिया जो है वो के है, यानी पूरा फिलाडेल्फिया है, ठीक है, और वो रिटेल को करेगा, ठीक है। सेव किया, अच्छा जी। तो पे स्केल स्ट्रक्चर आपका क्या है, पे स्केल एरिया प्लस टाइप। अब आते हैं अगले उसकी तरफ, अच्छा जी। डिफॉल्ट और पे स्केल डेटा ये भी हम देख लेते हैं, ये हमने जे में कल, ये हमारा एक्टिव एम्प्लॉय ग्रुप, और उसका सब ग्रुप क्या है, आवरली जेएच एंड सैलरी टीजी, और उसमें एच और के दोनों हमने कर दिए थे, पे स्केल टाइप पे स्केल एरिया, ठीक है। अब ये जो कोड्स है जितने आपके एज के, ये जरूरी नहीं कि यही फिक्स्ड होंगे, हार्ड कोड नहीं, ये अब आपका क्लाइंट आपके साथ मिलके इस चीज को डिसाइड करेगा। ये एक्टिव स्टेटस में हमने इसको कल सेव कर लिया, तो कल का ये रिवीजन भी हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं अगली तरफ, कलेक्टिव एग्रीमेंट प्रोविजन। अच्छा, अब पीरियड पैरामीटर असाइनमेंट पे स्केल को हम लगाएंगे, यहां पे अब क्या होगा, न्यू एंट्रीज करते हैं, न्यू एंट्रीज में अब आपका जो पे स्केल टाइप है वो क्या था, एच, पे स्केल एरिया था के, ठीक है, ग्रुपिंग थी वन फॉर आवरली, ठीक है, और 01 01 1900 इसको कर देते हैं, 31 12,
999 कर देते हैं, ठीक है। और पीरियड पैरामीटर है, इसको मैं आपको लिस्ट खोल के दिखाऊं। अब इसमें आएगा आपके, चूंकि आवरली के हम उसमें कर रहे हैं, क्योंकि आवरली का आपने यहाँ पे ग्रुपिंग लगाई है वन की, ठीक है, तो वीकली करेंगे। वीकली आवरली, क्योंकि आवरली जो होंगे उनको वीकली पे होगी। मैं तो रेस्पॉन्ड करके भी देख लेता हूँ कि इसमें ग्रुपिंग हमने किस तरह, हमें यहाँ पे वो लिस्ट हमें देगा, इंडस्ट्रियल वर्कर्स आवरली वेजेस, ठीक है। अच्छा सर, अगर ये मंथली करेंगे तो फिर हमें उसके वो मंथली लेने पड़ेंगे, मंथली, दोनों हाँ तो मंथली पे मंथली होंगे। वहां पे चलेगा ना, वीकली बंदों को, आवरली बंदों को आप मंथली पर पे कर रहे होंगे। एच के, और अब जो हम ग्रुपिंग करेंगे वो किसकी करेंगे, वो हम करेंगे सैलरीड की। 01 01 1931 12 9, और यहां पे आएगा अब मंथली। मंथली करेक्ट, अब आएगा यहां पे मंथली, एंटर, सेव। अच्छा जी, ये हो गया, मंथली पैरामीटर भी आपका हो गया, सेव कर दिया। ये समझ में आ गया आप लोगों को, अच्छा। अब आते हैं नेक्स्ट उस पे, डिफाइन आवरली रेट्स विद सेवरल डेसिमल प्लेसेस। अच्छा जी, यहां पे है हमारा पेस असाइन पे स्केल करेंसी। अच्छा जी, पे स्केल करेंसी में अब आप क्या करेंगे, न्यू एंट्रीज करेंगे। यहां पे मैं बताऊं, वही आपका पे स्केल टाइप आ रहा है, पे स्केल एरिया आ रहा है, ग्रुपिंग आ रहा है, स्टार्ट डेट आ रहा है, और करेंसी आपने बता दी। हमारी भी करेंसी क्या होगी, यूएसडी ही होगी, क्योंकि हमने टारगेट ग्रुप कंट्री ग्रुपिंग हमारी क्या है, एच के ग्रुपिंग 01 01 01 1900 31 12 9999, करेंसी यूएसडी, एच के, और इसका जो ग्रुपिंग आएगा वो आएगा 301 01 1900 यूएसडी। यूएसडी करेंसी में आप पे स्केल उसका, पेरोल उसका चलाएंगे। ठीक है, करेंसी हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट वेज टाइप्स पे, जो आपका समझ ले, दैट इज द हार्ट एंड माइंड ऑफ द होल एचसीएम। अब आप वेज टाइप्स पे आ गए, यानी अब आप मुख्तलिफ चीजें, आपने पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन देख लिया, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देख लिया, दो एरियाज था आपने, 13 एरियाज हैं एचसीएम में, हर कोई मास्टर नहीं कर सकता, आप 3 4 5 6 कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं वेज टाइप्स, तो वेज टाइप्स पेरोल उसमें आता है, आप पेरोल उसमें आ गए, पेरोल मैनेजमेंट में अब आप आ गए, ठीक है। क्रिएट वेज टाइप कैटलॉग, कॉपी, कंटिन्यू। अच्छा, अब यहां पे एक चीज है आपको, मैं अब आपको बताऊं, एक मिनट, नोट पैड में खोलता हूं,
अच्छा जी, अब जो वेज टाइप्स है ना आपकी, तीन तरह की होती हैं। प्राइमरी, ये मॉडल वेज टाइप्स होती हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, यूज्ड फॉर टेम्पलेटिंग फॉर फ्यूचर इम्प्लीमेंटेशंस। और इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, ये अल्फाबेट के साथ शुरू होते हैं, P01। ये SAP के सप्लाइड आपके वेज टाइप्स हैं, ठीक है। ये आपके SAP के सप्लाइड वेज टाइप्स हैं, ठीक है। और सेकेंडरी टेक्निकल वेज टाइप्स होते हैं, सॉरी, अच्छा हाँ, ये M जो है ये आपका SAP का है, और ये जो है आगे आपके टेक्निकल वेज टाइप्स हैं। टेक्निकल से मुराद, टेक्निकल से मुराद वो है कि जिसपे आप कैलकुलेशंस वगैरह, ए बैप वगैरह वो करवाते हैं, और ये भी प्री डिफाइंड बाय SAP है। और तीसरा होता है कस्टम डिफाइंड फॉर 4 डिजिट्स। कस्टम डिफाइंड जो होते हैं ना, वो आपके नंबर से जो आप अपने तौर पे अपने बिजनेस क्लाइंट के लिए डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये सब आपके SAP के सप्लाइड वो है। अब मैं अगर नंबर को कोई मैं देख रहा हूँ, अगर कोई बना हुआ हो तो मैं आपको दिखा दूँ, नहीं आ रहा इसमें, नंबर के नहीं बने हुए, कस्टम डिफाइंड आपके इस वक्त नहीं बने, वो हम बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसमें देखते हैं जो वेज टाइप्स हैं वो हमने निकालने हैं, कौन से। लेट्स से पे पीरियड लोकेशन एडजस्टमेंट MF02 M04 रिटायरी नहीं, अभी रिटायरी का तो फर्क नहीं होना चाहिए। पे स्केल सैलरी, ठीक है, इसको करते हैं हम सेलेक्ट, ठीक है। और इसको हम कर लेते हैं कॉपी, ठीक है, कॉपी वेज टाइप, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट्स एट, अब आप अपना कस्टम वो बना रहे हैं, 3366 में नंबर दे देता हूं, और नंबर ऑफ वेज टाइप्स, नंबर ऑफ वेज टाइप्स जो है ये करेगा इंक्रीज एट ईच स्टेप, नंबर ऑफ वेज टाइप्स, इसको क्या रखेंगे फिलहाल, इसको हम कंटिन्यू करते हैं, एंटर द नंबर ऑफ वेज टाइप्स, यहाँ पे इसको हम 3366 नंबर ऑफ वेज टाइप्स, नंबर अच्छा जी, ये आपने कस्टम पे स्केल सैलरी चला दी है इसकी, ठीक है। और इंक्रीज जो हमने किया था, वो जो अगर आपको याद हो, इंक्रीज यानी अगला जो आएगा वो 3367 से आएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये आपने बना दिया, और ये बना के अब आप क्या करेंगे, इसके कुछ डिस्क्रिप्शन आप डालेंगे। डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ पर पे स्केल सैलरी है, तो मैं कर देता हूँ इसे बेसिक पे टीजी, ठीक है, बेसिक पे टीजी कर दिया, GPT जी कर दिया, बेसिक पे टीजी। अब इसके बाद हम लोग MM2 को इस्तेमाल, M02 को इस्तेमाल
नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको हमने सेलेक्ट किया हुआ, कॉपी ऑल एंट्रीज, कॉपी अभी सारे हमने कॉपी करने हैं, और टेस्ट रन हटा के, बोल के टेस्ट रन हटा के अगर हम कॉपी करते हैं इसको फिलहाल, फिलहाल जस्ट टू मेक श्योर, क्योंकि चीजें ऐसी होती हैं कि ये बड़े बारीक बीनी से आपको देख, क्योंकि इतना सब कुछ हमने कर लिया है तो एक एक चीज हमें देखकर करनी है, एक भी चीज अगर मिस हो गई तो उसको निकालना, लोकेट करना विल बी एरर 00 है, ठीक है। ये गुड हो गया, और ये आपके मुख्तलिफ वेस्ट टाइप्स आपको नजर आ रहे हैं, इनके टेबल्स हैं, ठीक है। और पीछे जाता हूँ, रेस्टोरेंट हटा के कॉपी कर दो। मैंने ओके, ये हो गया, समझ में आ रहा है। अब सर आपने जब उसको टेस्टन पे चेक लगा के किया तो उसने आपको वो एरर दिखा दिया, उसके बाद जब आप उसने एरर नहीं डायरेक्ट किया था, तो एरर नहीं दिखाया, उसने डायरेक्ट सेव कर दिया, कुछ ऐसा हुआ? नहीं, एरर पहले भी नहीं था, हमने सिर्फ उसको टेस्ट रन पे चलाया था, टेस्ट रन का मैंने हटा के अब उसको कॉपी किया, तो उसे सारी चीजें कॉपी कर दी है, ठीक है। अब उसने ये लाइव रन चला के मैनुअली उसमें जो है 3366 आपका जो है ये वेज टाइप अब फंक्शनल है, ठीक है। टेस्ट रन आपने हटा के उसको कॉपी कर दिया, बस दैट्स इट। सर ये बेसिकली उसने सैलरीज का जो आप बता रहे हैं, आपने जो बताया सर, थोड़ा सा ये क्लियर जी सर जी क्लियर करना चाह रहा था, ये जो आपने बनाया है 3366, इसमें पे स्केल ड्राइव हो गया इसके थ्रू 3366 के थ्रू? देखिए, कस उसने जो स्टैंडर्ड M002 दिया था ना, उसको मैंने किया कॉपी, बता देता हूँ। अगर मैं जाऊं नीचे, पेज डाउन कर रहा हूँ, ये 336 आपका जो है बेसिक पे कॉपी हो गया, इसके पैरेलल में पे स्केल सैलरी। अब अगर आपका कोई और क्लाइंट है तो आप बेशक इसे ही रख के कॉपी कर दें, इसे कॉपी वेस्ट टाइप वन, ठीक है। और यहां पे कॉपी बनाएगा वो किसकी, MM02 की। वेज टाइप स्टार्ट्स एट, ये 336 था, इसको मैं 337 कर दूंगा, नंबर ऑफ वेज टाइप्स 999 भी लिख सकता हूँ, और उसके बाद इंक्रीज उसको स्टेप करूँ ताकि अगला जो मैं कस्टम वेज टाइप बना वो 3368 का होगा। वो करके मैं फिर क्या करूंगा, कॉपी करूंगा, कॉपी करके टेस्ट रन हटा के फिर उसको कॉपी करूंगा, कॉपी करूंगा। क्लियर हो गया सर, उसने मतलब आपके पे स्केल की सैलरी का बेसिक पे टीजी के लिए उसने एक वो बनाया है। जी बिल्कुल, हमने टीजी के लिए अपना जो है वो हमने बना दिया, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, ये बड़ा एक नाजुक वो समझ ले वो है आपका मरहला है, ये यहाँ पे कोई भी चीज आपकी वो होनी चाहिए। अब SAP का जो पेरोल है, मैं आपको थोड़ा सा इसका एक ओवरव्यू दूं। यहाँ पे मैं अब आपको जाके बताता हूँ, PE01 में जाके, PE01 यहाँ आते स्कीमाज आपके, ठीक है। स्कीमाज क्या होते हैं, ये आपके हर कंट्री के हिसाब से आपको स्कीमा दिए गए, किस चीज के स्कीमा, पेरोल, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। और आप इन पेरोल को, ये जिससे भी रिलेटेड आपके स्कीमाज होते हैं कंट्री के हिसाब से, उसका फॉर्मेट, उसके स्क्रीन्स भी वैसे ही अलग होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं जाऊं पीछे और इसको मैं करूं चेंज, स्कीमा 00 नहीं एग्जिस्ट, अच्छा जी, यहाँ पे अब आएगा आपका, दिया हुआ नहीं है कि क्या होता है।
ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया आर यू मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी यूएसएबी फीलिंग शादी मुझे बोल रही है जब शादी है ऐसे या यूएसएबी ये स्कीमा असल में हर कंट्री के हिसाब से होते हैं। मैं ले लेता हूँ, खैर ये अजीब सा मेरे ख्याल शब्द एस फोर आना का चेंज ऐसे होगा। कंट्री ग्रुपिंग 10 ठीक एग्जीक्यूट है प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग ऑफ सेविंग पेंशन प्लान, मुझे ये नहीं चाहिए था उनसे। ठीक है अच्छा, अब मैं जाता हूं SC11 पे, बल्कि नहीं एक काम मैं करता हूँ, USAV का ही प्रोग्राम मैं आपको पहले दिखाता हूँ। USAV डिस्प्ले ओके बेनिफिट्स सेविंग्स इन्फो टाइप्स या आपके इन्फो टाइप्स PA30 की तरफ पॉइंट करते हैं। प्रोसेस सेविंग प्लान्स या आपके पेंशन वगैरह उसके लिए जो है ना ये वो स्कीमा है। ये स्कीमा बेसिकली आपका एक स्ट्रक्चर होता है जहां से आप ये सारी चीजें कैलकुलेट करके फिर अपने PA30 में कैलकुलेट करके उसके इन्फो टाइप के साथ ही बेसिकली काम करता है। ठीक है अच्छा, अब आते हैं हम SC11। SC11 डेटा डिक्शनरी है आपकी, और यहाँ पे हम टेबल निकालेंगे TSTC TSTC और डिस्प्ले करके हम कंट्रोल कंट्रोल शिफ्ट F10 कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम टी कोड में हम कौन सा टी कोड देंगे यहाँ पे। हाँ हाँ ओके ठीक एग्जीक्यूट, ये आपको सारे टी कोड्स दिखा देगा। ये वो आपके टी कोड्स हैं जो आपके बेतहाशा जो आपके अब इस्तेमाल होंगे, जिसमें मैंने अगर कोई निकालना है तो वो है FRP। RP क्या होती है? अच्छा जी, आपके पास अब ये एक आ रहा है, ये अब आपके टी कोड्स हैं जो आपने संभाल के रखने, कंट्रोल वाई मैंने किया कॉपी किया, आपके पास ये आ रहे हैं। कौन कौन से हैं ये मैं आपको फ्रंट एंड पे जाके अभी दिखा देता हूँ। टी कोड यहां से कॉपी किया, कंट्रोल वाई कंट्रोल सी कंट्रोल और स्लैश एंड कंट्रोल वी करके यहाँ पे पेस्ट करके एंटर कर दिया। अच्छा यहाँ पे अब आपके पास पेरोल की सारी ये लिस्ट आपको यहाँ पे ये नजर आ रही है, तो मैं यहाँ से सिर्फ ये निकाल के आपको दिखा देता हूँ। अब आप ये देखिए पेरोल एरिया हमारा कौन सा है। ठीक है तो निकालते हैं ये पेरोल। पेरोल की जितनी कैलकुलेशन के आपके जो है जो प्रोसेस है ठीक है, वही सारे अब आपको यहाँ से आप कवर होते हैं नजर आएंगे। ठीक है अच्छा जी, अब हमारा टीजी 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 निकाले हम। टीजी सैलरी टीजी T8 होगा T9 होगा, ये पेरोल एरियाज अब आप चलाएंगे। ठीक है पर्सोनल नंबर है, पेरोल एरियाज है, रीजन फॉर पेरोल है, ये आप चलाएंगे। लेकिन ये जो आपके
प्रोग्राम्स हैं, टी कोड्स हैं, ये मैं आपको बताता हूँ, SC38। डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले करते हैं। समझ में आ रहा है यहाँ तक? क्लियर है? ठीक है, हम मजीद कम्प्लेक्स उस पर डिस्कशन में जा रहे हैं। जब इसमें प्रोग्राम हमने निकालना है, रिपोर्ट बिगिन ऑफ कॉमन पार्ट, बिगिन ऑफ कॉमन पार्ट इंक्लूड, ये प्रोग्राम्स है जहां पे आपको इंक्लूड नजर है, समझे ये प्रोग्राम्स हैं। इसमें मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये आपको ले जाएगा इन्फो टाइप, गार्निशमेंट्स, बेनिफिट्स, टैक्स जनरली सब आपको ये बताएगा। तो हम जीरो जीरो पे गए, तो जीरो जीरो में इन्फो टाइप, अब आप ये देख रहे हैं बहुत सारे इनपुट इन्फो टाइप्स के साथ ये प्रोग्राम खेल रहे हैं, तो आपका स्कीमा और इन्फो टाइप साथ मिलकर चलते हैं, कहने का मकसद ये। अच्छा, अब आते हैं हम किस पे आएंगे, अब हम स्लैश एन, ये सारी चीजें प्री डिफाइंड इसके अंदर मौजूद है ऑलरेडी, हमें उसके अंदर ये तो बनाने की जरूरत नहीं है। जी जी नहीं, बनाने की जरूरत पड़ेगी आपको, एबैप बहुत सारा करवाना पड़ेगा आपको जब आप क्लाइंट पे जाएंगे ना, लेकिन स्ट्रक्चर समझने की जरूरत है। पेरोल पे अगर हम चले जाएं, पेरोल अमेरिकाज, यूएसए, पेरोल। अच्छा जी, अब हमारे पास ये पेरोल, आपने ये सारे जितने भी टी कोड्स है ना, ये तुम देख लेने हैं, ठीक है, ये टी कोड्स आपको बहुत ज्यादा अब आप इस्तेमाल करेंगे भी। अच्छा, एक टी कोड था यहाँ पे सिमुलेशन का, ये है M10 कैल्सी सिमुलेशन, M10 कैल्सी स्टार्ट पेरोल, ऊपर वाला सिमुलेशन है। पेरोल एरिया, अब हर कंट्री का आपका अलग अलग पेरोल के, ये वो है पहला सिंगापुर का हमने देखा था, ठीक है, और हर कंट्री की कोडिंग है वो, अब हर कंट्री की जो कोडिंग है वो समझना जरूरी है, ठीक है। अब वो कैसे होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। SM30 पे गए, SM30 में आप वो टेबल देखेंगे जहां पे आपको ये सारे कंट्री ग्रुपिंग्स मिलेंगी, ठीक है, T500L को अब हम क्या चलाएंगे, मेंटेन करते हैं, मेंटेन, अब यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, कंट्री ग्रुपिंग्स नजर आ रही है, 10 यूएसए, जर्मनी 01, क्योंकि जर्मन सॉफ्टवेयर है इसलिए, ठीक है। आईएसओ कोड वो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो है जो स्टैंडर्ड आपको जो कोड्स मिलते हैं, जैसे DE जर्मनी का है, GB ग्रेट ब्रिटेन का है, यूएसए का है, नीचे अगर आ जाए और चाइना है, CN उसका अपना जो कंट्री ग्रुपिंग है, यहाँ पे 28 है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब F1 अगर मैं ये करता हूँ, ये Y किस चीज का लगा हुआ है, कंट्री इंडिकेटर है, ठीक है, कंट्री कौन सा है, स्टेट कौन सा है, ये सारे आपको यहां से मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, क्लस्टर, क्लस्टर क्या चीजें हैं, क्लस्टर कौन से हैं जी, किस कंट्री के साथ इसको आप जोड़ेंगे, ये उस क्लस्टर में आएगा, उसमें ये पेरोल उसका उस स्टैंडर्ड के हिसाब से चलेगा, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे अगर हम आ जाएं, अदर कंट्रीज 99 है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास हर एक का आपको यहाँ पे मिलेगा। आपका अपना मुल्क नहीं है यहाँ पे, मुबारक हो। ठीक है, तो जमीबिया एक गरीब बोल के वो है, हम नहीं है, ठीक है। अल्लाह का बहुत करम आ गया, बहुत ही अल्लाह। नहीं सर, सर पाकिस्तान ऊपर गया है, पाकिस्तान ऊपर है। सर पी की सीरीज में स्टार्ट में था। पी क्या है, ठीक है, ठीक है। माई मिस्टेक, माई मिस्टेक, ठीक है, ये हो गया। मेरा सर पी के। हाँ मैं समझ गया, मैं उस पे रखा है। अच्छा जी, अब मैं आता हूं अगले उस पे, समझ ले के अगले उस पे मौजू पे, पेरोल। ठीक है, पेरोल सिस्टम्स जो आपके हैं, जो बने हुए हैं, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। पेरोल जो है, अब आपके उनके जो स्कीमाज हैं जिसके तहत ही पूरा लॉजिक इसमें होता है, उसका कोड्स हैं यहाँ पे जो SAP में प्री डिफाइंड है, जैसे UZZ000, UZZ000 है स्कीमा कोड, है USA का, इटली का, जर्मनी का, एंड सो ऑन। ठीक है, IN00 है, ठीक है। तो अब जब इनके जो पेरोल सिस्टम्स हैं वो भी उसी हिसाब से हैं, जहाँ स्कीमास बने हुए, तो वो फिर उसी हिसाब से आपके ये पेरोल के सिस्टम्स भी बने, क्योंकि आपके जो स्कीमाज हैं, स्कीमा क्या होता है बेसिकली, इट्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन वन प्लेस, कि आपने USA का पेरोल चलाना है, उसमें आपने काउंटी का टैक्स, स्टेट का टैक्स, कंट्री टैक्स, फलाना टैक्स, वो सारे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो आपने इस प्रोग्राम में डालने। ये प्रोग्राम कहाँ से देखना है आपने, मैं कॉपी करता हूँ इसे, सर SC38 CU00। इसको मैं करता हूँ डिस्प्ले डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों, इसका मैं एक जीरो हटा देता हूँ, फिर आपको दिखाएगा ये। तो ये आपका USA का जितना आपका प्रोग्राम है उसमें ये सारी कैलकुलेशन आपको एक करके बता रहा है, इसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को लेकर आ रहा है, ठीक है। तो सबसे लॉन्ग प्रोग्राम, कभी आपको वक्त मिले तो इसको समझने की जरा कोशिश कीजिएगा। अच्छा, इसका मैं इटली का अगर लेता हूं, ठीक है, प्रीडिफाइंड प्रोग्राम थे यहाँ पे ईयरली, अगर कोई चेंजेस हो रहे होते हैं तो क्या वो अपडेट हो रही होती है, वो किस तरह से या इसको मैन्युअली करते हैं? नहीं ये सारे प्री डिफाइंड है। देखें, बेसिक प्रोग्राम फॉर पेरोल अकाउंटिंग इटली, ठीक है। अच्छा, इंक्लूड बहुत सारे, अगेन इटली के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इसी तरह ही आपको इंडिया के भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब ये जो सारी चीजें ये मैंने आपको जो बताई हैं, जो ISO कोड है फॉर US, उसका कंट्री कोड U है, ठीक है। इंडिया के लिए ISO कोड जो इस्तेमाल होता है, जैसे यहां पे इसने हमें U0, I0, G0, कनाडा का K0, ये दिए हुए, ये प्रोग्राम्स हैं जो आप देख सकते हैं। लेकिन जो दूसरे कंट्रीज बाद में स्टैंडर्ड्स में आए, उनका फिर उन्होंने इस तरह किया, HIN से किया, IN फॉर इंडिया, CN फॉर चाइना, ताकि उनके पेरोल के जो सिस्टम्स हैं, अकाउंटिंग है, वो आप यहां से देख सकते हैं। डिस्प्ले ये इंडिया की लिए, ठीक है। पेरोल अकाउंटिंग बेसिक प्रोग्राम वर्ल्ड वाइड, ठीक है। ये रिपोर्ट, ये बाय डिफॉल्ट आपके SAP में साढ़े पड़ी हुई है। कंट्री ग्रुपिंग्स, कंट्री कोड्स, ISO कोड्स, ये आपने देख लिए हैं, तीन ठीक है। अब कंट्रीज के हमने देख भी लिए कैसे वो चलते हैं। SAP में तकरीबन भी 40 आपके पेरोल सिस्टम्स हैं, जो ये मैंने आपको दिखाया C38 में, ठीक है।
अब कुछ टी कोड्स हैं जो आपने मैंने पहले ही आपको हैं बता दिया था कौन से वो टी कोड्स हैं, वो आपने देख लेने हैं, जरा आइडिया ले लेना ताकि अगले क्लास में जब हम आए तो आपको अंदाजा हो। PC00M99 ये देख लीजिएगा कौन सा ये है, मैं मेरे पास अभी इसका वो डिटेल्स नहीं है। और एक है आपका बाकी आप ये भी है रिलीज, किसी ये रिलीज करता है पेरोल को जब आप ना चलाते हैं, ठीक है। और बाकी इसके अलावा आपके पास है पेरोल को आप एग्जिट भी करते हैं, ये भी हम प्रोसेस सारा हम देखेंगे, ठीक है। और SAP का मैं आपको ये पाथ भी सारा आपको मैं बता देता हूँ। ये आपका वो है। अब इसी SAP मेन्यू को लेकर चलते हैं, देखते हैं क्या है, कहाँ से हमें मिलेगा। स्लैश एन मार्केट करते हैं, में एच आर पेरोल अमेरिका यूएसए, यस अमेरिका यूएसए बैंक ट्रांसफर, बैंक यूएसए बैंक ट्रांसफर, बैंक ट्रांसफर से मेरा पेरोल नहीं था। हाँ यस, ये गलत हो गया है, बैंक ट्रांसफर। फिक्र ना कीजिए, ये मेरे पास सारे नोट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, ये आपको मिल भी जाएंगे और बहुत जल्द मैं आपको रिलीज भी कर दूंगा ये, ठीक है। ये सारे आपके वो हैं जो आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बैंक ट्रांसफर में फिर आपके पास सबसिक्वेंट एक्टिविटीज भी आती हैं, वो यहाँ पे नहीं लिया हुआ इसने, हाँ ये लिया हुआ, सबसिक्वेंट एक्टिविटीज पर पेरोल पीरियड इवैल्यूएशन पोस्टिंग टू अकाउंटिंग और एग्जीक्यूट पोस्टिंग रन, ये आपका अकाउंटिंग की इंटीग्रेशन जो होगी वो यहाँ से होगी, ठीक है। यहाँ पे आपका लेक्चर समाप्त होता है, धन्यवाद।